आज दोस्तों लेकर के आई हूँ आप लोग के लिए दूध के पेड़ा बनाने की रेसिपी। दोस्तों जैसे मेरे घर में गाय है दोस्तों, और गाय दूध देने लगी है, तो आज दोस्तों उसी गाय के दूध से हम पेड़ा बनाना बतलाएंगे। ये पेड़ा की रेसिपी दोस्तों एकदम आसान तरीके से बतलाऊंगी, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहे दोस्तों। कैसे मैं बना रही हूँ आप लोग से बतलाऊंगी, एकदम आसान रेसिपी है। जब भी हम बच्चे के दूध पीने के लिए देते हैं दोस्तों, तो बच्चे लोग दूध नहीं पीते हैं, और इस तरीके से अगर आप पेड़ा बना करके दे देंगे तो पेड़ा बहुत चाव से बच्चे खाते हैं। तो आप अपने घर पर इस तरीके से बना करके रख सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं दोस्तों, एकदम हेल्दी है, टेस्टी है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगेगी तो ढेर सारा शेयर करिएगा। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लालसा की रसोई में। तो दूध के पेड़ा बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं रखी हूँ 4 लीटर दूध, जो ये गाय के दूध है दोस्तों, और इन्हें बनाने वाले हैं मिट्टी के चूल्हा पर। अगर आपके पास में मिट्टी के चूल्हा है तो उस पर बना सकते हैं, नहीं है तो सिर्फ गैस पर भी बना सकते हैं दोस्तों। पेड़ा बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चूल्हा जला लेना है, और जलाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बड़ा सा एक कढ़ाई रखेंगे, और कढ़ाई में हम यहाँ पर डायरेक्ट हम पूरा दूध रख देंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं 4 लीटर दूध से बना रही हूँ, आप जितना बनाना चाहते हैं इसी तरीके से बना सकते हैं, ढेर या कम बना सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, अच्छा से चलाते हुए दूध को उबालना है दोस्तों, और इन्हें चलाते हुए अच्छा से हमें एकदम जला लेना है। जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा दोस्तों, एकदम दानदार हमारा जो खोआ है बनते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं चलाते हुए अच्छा से यहाँ पर पका रही हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप लोग नीचे से चलाइएगा, नहीं तो नीचे क्या होता है तले में चिपक जाता है, यहाँ पर काला काला लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जलते जलते आधा दूध हो गया है, और यहाँ पर जो खोआ है दोस्तों यहाँ पर तैयार होना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर गाढ़ापन एकदम हो गया है दूध, देखिए इस तरीके से दोस्तों। इस तरीके से आग, अगर आप आग के चूल्हा पर बना रहे हैं तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप गैस पर बनाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि जो दूध है दोस्तों उसमें जलने में टाइम लगता है। तो इन्हें हम लगातार चलाते हुए दोस्तों एकदम गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छा से जल रहा है, और जो यहाँ पर आग जला रहे हैं दोस्तों चूल्हा में, वो हाई फ्लेम पर रखना है, और अच्छा से इन्हें जलाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से दानदार जो खोआ है बनने लगा है दोस्तों। ये दोस्तों और आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो ढेर सारा शेयर करिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पर दोस्तों 4 लीटर दूध में जो खोआ तैयार हुआ है दोस्तों, उसी में हम यहाँ पर आधा किलो यहाँ पर चीनी डाल रहे हैं। अपने अनुसार से, मीठा के अनुसार से आप यहाँ पर चीनी डाल सकते हैं। मार्केट में जब हम खरीदने जाते हैं पेड़ा दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा चीनी की मिलावट रहता है, तो अपने घर पर बना रहे हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार से। तो यहाँ पर मैं आधा किलो चीनी डाली हूँ दोस्तों, और चीनी डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करते हुए इन्हें हम पकाएंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद में यहाँ पर पानी छोड़ देता है दोस्तों। जैसे ही ये थोड़ा सा पतला रहेगा दोस्तों, उसी में हमें चीनी डालना है। इससे क्या होता है दोस्तों, अच्छा से जो चीनी का फ्लेवर है अच्छा से खोआ में जाएगा, और एकदम टेस्टी जो है हमारा पेड़ा बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए लगभग 20 मिनट मैं पकाई हूँ, और जो चीनी का पानी है दोस्तों वो जल गया है, और इस तरीके से जो है हमारा खोआ तैयार हुआ है दोस्तों। अब इन्हें हम क्या करना है, यहाँ पर अच्छा से हम चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि अच्छा से जब पकाएंगे तो पेड़ा बांधने के लायक होगा, तभी हमें बंद करना है, नहीं तो चला करके फैलाते जाएंगे और चलाते जाएंगे दोस्तों। अच्छा से जो है एकदम सुखा लेना है पेड़ा बनाने के लिए दोस्तों। अगर आप यहाँ पर बर्फ़ी जमाना चाहते हैं, इसी टाइम में आप गैस बंद कर दीजिएगा, और बर्फ़ी जो भी ट्रे हो उसमें जमा सकते हैं, नहीं तो थाली में भी जमा सकते हैं। तो आज मैं इससे पेड़ा बनाऊँगी दोस्तों, तो आज मैं पेड़ा बनाने के लिए इन्हें और हम सुखाएँगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हो गया है, और इन्हें हम और सुखा लेते हैं दोस्तों। ये पेड़ा की रेसिपी आप लोग कैसी लगी है एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी तो ढेर सारा शेयर करिएगा। तो देखिए इस तरीके से फैलाते जाएंगे, और इन्हें हम अच्छा से चलाते हुए सुखाते जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से हम गोली जब बनाएंगे ना, सूख जाएगा तो गोली बनने लायक हो जाएगा, तभी हमें ये जो आँच है बंद करना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सूख गया है, और जब गिरा रही हूँ दोस्तों तो ये गोटा गोटा गिर रहा है, इसका मतलब जो है पेड़ा बनने के लिए ये परफेक्ट हमारा हुआ तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए जैसे हम चला रहे हैं तो चलाने ही से था लग रहा है, चला रहे हैं तो एक ठाव में ये चल रहा है और एक ठाव में गिर रहा है दोस्तों। तो इतना ही पर हमें चाहिए, क्योंकि जब हम गैस पर चूल्हा पर से नीचे उतारेंगे तो ये ठंडा होने के बाद में और भी टाइट हो जाता है। अब यहाँ पर हम नीचे इन्हें उतार लेते हैं, और एक थाली में रख लिए हैं दोस्तों इन्हें ठंडा करने के लिए। जैसे ही हाथ में छूने लायक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो इन्हें हम पेड़ा बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए लगभग 1 किलो ये खोआ जो है तैयार हुआ है दोस्तों। अगर आप भैंस के दूध ले रहे हैं तो उसमें और ज्यादा बहरेगा, गाय के दूध थोड़ा पतला रहता है, इसीलिए थोड़ा कम खोआ निकलता है दोस्तों।
और यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर मैं चकरा दी हूँ दोस्तों, फैला दी हूँ थाली में। जब ये ठंडा हो जाएगा यहाँ पर देखिए हाथ से मैं बांध रही हूँ, ये अच्छा से बना रहा है दोस्तों। तो इसी तरीके से हमें चाहिए। अब इन्हें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से मसल लेंगे और मसलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम पेड़ा बनाएंगे। मसलने से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा ये जो गुठलिया है और होगा तो इसमें मिसाया जाएगा दोस्तों, और अच्छा से एक बराबर दानेदार जो है हमारा खोआ बन करके तैयार होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम पेड़ा बनाने के लिए यहाँ पर गोली बनाएंगे। तो गोली अपने अनुसार से बना सकते हैं, छोटा बड़ा जिस तरीके से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज का बना रही हूँ पेड़ा। अब इन्हें हम क्या करेंगे, गोली बना लेंगे और हाथ से इस तरीके से दबा देंगे। जो भी इसमें क्रेक्स आ रहा है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम गोल गोल नचा देंगे ना, इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये पेड़ा है, दानेदार है, इसीलिए इस तरीके से आता है। और इस तरीके से जब आता है दोस्तों देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम लड्डू बना लेंगे, और लड्डू बनाने के बाद में यहाँ पर हथेली में रख करके और हल्का सा यहाँ पर हम दबाएंगे, और दबाने के बाद में अंगूठा से थोड़ा सा यहाँ पर हम शेप देंगे, इससे देखने में अच्छा लगता है। और मार्केट में दोस्तों इसी तरीके से दूध के पेड़ा मिलता है, तो अपने घर पर इजी तरीके से बना सकते हैं ये रेसिपी। आप लोग कब बना रहे हैं एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसी तरीके से हम सारा पेड़ा बना करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितना सारा हमारा पेड़ा बन करके तैयार हुआ है दोस्तों। ये खरीदने जाएंगे आप मार्केट में तो काफ़ी महंगा मिलता है, और अपने घर पर दोस्तों इजी तरीके से बना करके आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर पर बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए दोस्तों। एकदम सुपर टेस्टी है, डिलीशियस हमारा पेड़ा बन करके दानेदार तैयार हुआ है। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा दिखने में आ रहा है ना, मुँह में पानी। तो आइए सबसे पहले आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों, अपने घर पर बनाइए और पूरा फैमिली के खिलाइए इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं पेड़ा बना करके ढेर सारा तैयार की हूँ। तो आप लोग दूध देंगे बच्चों को तो नहीं पियेंगे, और इस तरीके से अगर आप पेड़ा बना करके अपने घर पर रख लेंगे तो बच्चों दोस्तों एक दिन में चट कर जाएंगे। तो इस तरीके से अपने घर पर पेड़ा बना करके इजी तरीके से तैयार कीजिए और बच्चों को खिलाइए दोस्तों, एकदम हेल्दी और टेस्टी पेड़ा बन करके तैयार होगा। यहाँ पर दोस्तों एक मिठाई की मैं बॉक्स रखी हूँ, उसी में सारा पेड़ा रख लेती हूँ दोस्तों। इस तरीके से रखेंगे तो लगेगा जी आप मार्केट से लेकर के आए हैं। तो आप लोग आप जिस बर्तन में रखना चाहते हैं रख करके स्टोर भी कर सकते हैं दोस्तों, एक दो महीने के लिए। एक खराब नहीं होगा दोस्तों, और एकदम जो है ना सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं होगा क्योंकि हम इसे बनाए हैं। तो ये हार्ड नहीं होगा क्योंकि इसे हम ज़्यादा नहीं सुखाए हैं दोस्तों। अगर आप ज़्यादा सुखा देंगे ना तो चीनी जो है जमने लगता है, इसीलिए हार्ड हो जाता है। हल्का गिला रहेगा ना दोस्तों तभी हमें पेड़ा बना लेना है, क्योंकि इससे सॉफ्ट रहेगा हमारा पेड़ा। जितना दिन आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। रेसिपी आप लोग कैसी लगी है एक बार जरूर बताइएगा मुझे, और अच्छी लगेगी तो ढेर सारा शेयर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।